हाय, हर हर महादेव, नमस्ते, वेलकम बैक टू वर्णिका ब्लॉगर्स। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज बनाने जा रहे हैं हम इडली सांभर और इडली की चटनी, क्योंकि नारियल और मूंगफली की चटनी है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो ये मैं अभी एक दिन पहले मैंने फुला कर रखा था। लगभग मेरे को 2 से 3 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। तो इडली का जो मतलब चावल है, हमने 2 कटोरी चावल ले लिए थे और 1 कटोरी हमने दाल ले ली थी, उड़द दाल जो कि छिलके वाली थी, क्योंकि मेरे पास बिना छिलके की फिर कौन मंगाता, जो घर पर था मैंने उसी का ही बना लिया था। तो मैंने एक रात पहले को अच्छा धो करके और फुला कर रख दिया था। फिर दूसरे दिन फिर उसके छिलके अच्छे से उतार लिए। तो धुलने के बाद अच्छे से छिलके उतर जाते हैं, जब दाल अच्छे से फूलती है ना, सॉफ्ट होती है, तो अपने आप ही उतर जाते हैं। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। चुनका कहते हैं ना, चुनका रहता अपने घर पर, उसमें अच्छे से धुल लो बाल्टी में गोल गोल घुमा करके, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और चावल तो वैसे ही साफ़ रहता है, तो अपन चावल को भी धुलेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने मिक्सी के जार पे पीस लिया था पहले दाल। पीसे दाल तो बहुत ही अच्छी तरीके से पीस गई थी मेरी, बस ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ा था मुझे। और ये चावल थोड़ा सा दरदरा ही था, कितनी भी अच्छे से पीस रही थी मैं, लेकिन चावल नहीं पीस पाता, इसलिए हमको अलग अलग ही पीसना चाहिए। तो मैंने दाल को और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसा था, फिर बाद में दोनों को मिक्स कर दिया था। और ये मेथी दाना भी मुझे फुलाना था, आप प्लीज़ फुला दीजिएगा, क्योंकि ये फुलाने के बाद अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा जो भी उसका वो रहता है सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये मैंने बाद में डाल करके इसमें मिक्स बढ़िया से क्रश कर लिया था, पीस लिया था। तो ये मिक्स करने के बाद अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि हमें इसलिए मतलब हमें मिक्सर से नहीं फेंटना चाहिए, क्योंकि जो होते हैं ना अपने हाथों में, कुछ बैक्टीरिया कहते हैं, पुराने बुजुर्ग कुछ भी कह के गए हैं कि हाथों से ही करना चाहिए। तो इसलिए अपने हाथों से अच्छे से मतलब उसे मैश करके और फिर एक रात के लिए मैंने रख दिया था। ये नेक्स्ट डे मैंने देखा था तो बहुत ही सॉफ्ट स्लफी हो गया था एकदम से, मतलब खमीर कहते ना, अच्छा मतलब जम गया था कि बनाने लायक इडली हो गया था। मैंने पहले भी देखा था मॉर्निंग में, लगभग 10 से 12 घंटे इनफ होता है, 10 से 12 घंटे ही हमें मतलब रखना चाहिए ये दोनों को मिक्स करके, दाल और चावल को। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, चाहे आप काला नमक भी डाल सकते हैं और सेंधा नमक, जो भी आपको स्वाद अनुसार अपना नमक डाल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, टाटा जो भी। और फिर यहाँ पे मेरे मसाला मतलब तैयार हो गया था, इडली वाला पेस्ट जो था पूरा तैयार हो गया था। फिर मैंने ये मेरे जार बहुत ही छोटा था, कंटेनर जो मेरा था, उसमें थोड़ा थोड़ा करके रखा। और पानी रख देना हमें इडली के, इतना पानी रखना है कि हमें इडली छू ना पाए, हमारा जार में जो पानी है वो उबाल मारे तो इसको टच ना हो, क्योंकि फिर फूल जाएंगी तो फिर वैसा नहीं फूल पाएगी ना, बन नहीं पाएगी, फिर पूरा उसी में घुल जाएगा वो। तो हमें पानी थोड़ा सा ऐसे रखना है कि हमारे जार टच ना हो उस पर, और उबाल आ जाए हमें तभी रखना है। करके ऐसे जार रख दिए थे और लगभग मेरे को 15 से 20 मिनट लगा था, बहुत ही फूली मेरी इडली बन गई थी, एकदम तैयार हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये फिक्स कर देना चाहिए अच्छे से, मतलब जितना अच्छे से ढक्कन बंद होगा उतना अच्छे से भाप से हो जाएगा। यहाँ पे मैं बार बार खोल कर देखी थी, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने ये मेरा नहीं कंटेनर था, इसलिए किसी और का था, इसलिए मुझे इसमें बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने देखा मेरा था थोड़ा सा वो हो गया है ख़राब, तो नेक्स्ट लेकर आऊँगी तब मैं बनाऊँगी, ये दूसरे का था, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ा था इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब जब वो डाले थे तो उसमें पहले मैंने ग्रीस किया था ऑयल से, फिर जितनी भी मैंने इडलियाँ बनाई उसमें ग्रीस नहीं किया, क्योंकि वो वैसे ही बहुत आसानी से निकल गई थी, ये ऐसे ही डाल दिया था मैंने। तो अगर आपको करना हो तो आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हो, नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये लंच में ऐसे ही कर लिया था चटनी के साथ। और अब यहाँ पे मतलब सारी इडली बन जाएंगी मेरी, मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था मैंने इडली, और ये इस तरीके से मैंने निकाल लिया था। टाइम तो बहुत लग जाता है गाइस, तो अगर टाइम होता भी ऐसी चीज़ें बनाया करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर थोड़ी क्वांटिटी में बनती है तो सब चीज़ें अपन को, लेकिन अब ऐसी चीज़ें बनती हैं फिर पूरी पूरी फैमिली के लिए बनाना पड़ता है ना, तो पूरी फैमिली खाती है तो एक्स्ट्रा ही बना लेना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने मतलब बंद करके ही निकाल रही थी, बंद कर रही थी
क्योंकि मुझे और भी काम रहते थे तो मैं इसको रख करके चल जाती थी। ये लास्ट का था तो 7 इडलियाँ निकली थी, छोटा छोटा निकाल लिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा डाला था तो 4 एक कंटेनर में डाल दिया था और नेक्स्ट में 3 डाल लिया था और मेरी तैयार हो गई थी। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सांभर की तैयारी। तो सांभर के लिए ले लिया मैंने कद्दू और 4 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, करी पत्ता ले लिया था, दाल ले लिया था जो रहर की दाल थी, मेरे पास उड़द दाल नहीं थी, मतलब जो लाल वाली दाल होती है उसे क्या बोलते हैं भगवान जाने, उड़द ही बोलते हैं शायद, तो वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने ये रहर की दाल लेकर के थोड़ा सा लहसुन तेल लिया, ऑयल को डाला और उसमें लहसुन डाल करके ऐसे ही डाल दिया, ज़्यादा अच्छे से झोंकने लगा क्योंकि बाद में तो मुझे तड़का लगाना ही था, तो इसलिए इसमें प्याज डाला और हरी मिर्च डाली और लहसुन थोड़ा सा तड़के के लिए डाल दिया था कि मतलब स्वाद अच्छा है। और यहाँ ये कद्दू डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इस पर दाल डाल दी थी, दाल को डाल करके थोड़ा सा और चलाया ताकि मतलब ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है क्योंकि वो बिल्कुल से मैश हो जाता, फिर पूरा सारा स्वाद चला जाता, जो कच्चापन है ना सब्जियों का वो रहना चाहिए, तड़के के बाद ही वो स्वाद समझ में आता है। अगर अपन पहले ही वो कर लेंगे, ये देखिए मैंने ज़्यादा इसको नहीं वो किया, और टमाटर हमें लास्ट में ही डालना है ताकि अच्छे से समझ में आए कि हाँ सारी सब्जियाँ अलग अलग तरीके से दिखेंगी, तब हमें लगेगा कि हमारा सांभर बन रहा है। और यहाँ पे मैं करने लगी थी चटनी की भी तैयारी। यहाँ पर तब तक मेरी सीटी मतलब मेरे गैस का कुकर फ्लेम ऑन था तो तब तक ये भी पक गया था, वहाँ पे मेरी चटनी की भी तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी लगाया था मैंने और मेरी बढ़िया से दाल भी पक गई थी और कद्दू भी बहुत ही अच्छा पका था। अब यहाँ पे कर लूँगी मैं तड़के की तैयारी भी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था पैन में और यहाँ पे डाली राई और थोड़ा सा जीरा और फिर डाल दूँगी हरी मिर्च, करी पत्ता और हल्दी और रेड चिली डाल दूँगी ताकि तड़के का मज़ा ही आ जाना है बाय गॉड। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें डाल करके रेड चिली पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाला था मैंने और टर्मेरिक पाउडर भी डाल दिया था ताकि अच्छे से, और जो करी पत्ता है हमने लास्ट में डाला था फिर बाद में इसको मिक्स कर दिया था। बड़े ही टेस्टी सी खुशबू आ रही थी कि हाँ बहुत ही, और खाने में भी वाकई में बहुत ही लाजवाब एकदम लजीज बना था। और थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत धनिया था मेरे पास उस दिन, तो मैंने फिर धनिया भी डाल दिया, मस्त दिखता था। ये सांभर मसाला है जो फिर मैंने उसे डाल करके हल्का सा उबाल मारा था और बस मेरा बन के तैयार हो गया था सांभर। और यहाँ पे ये मैं इसके छिलके उतार लूँगी मूँगफली के, जो पीनट्स है उसके निकाल लिए थे, पूरी तरीके से नहीं निकल पाए थे क्योंकि मुझे पूरा नहीं उसको रोस्ट करना था जो हमारी पीनट्स हैं, तो मैंने ज़्यादा रोस्ट नहीं किया था क्योंकि चटनी बना रहे हैं फिर वैसे ही उसमें थोड़ा बहुत तो तड़का तो लगेगा तो थोड़ा गर्म हो ही जाएगी वो। और यहाँ पे ये हरी मिर्च ले ली थी 4, करी पत्ता, लहसुन, अदरक नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे स्वाद अनुसार हमने काला नमक डाल लिया था क्योंकि डाइजेशन भी बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए काला नमक मैंने यूज़ किया था। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे ये मैंने पूरा मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया बढ़िया से। और यहाँ पे इसमें भी तड़का लगाया लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ डाली जो कि हींग, उसमें स्वाद बहुत अच्छा आया था, स्मेल भी मतलब खुशबू बहुत अच्छी आई थी। और यहाँ पे ये मेरी बन के तैयार हो गई थी चटनी। यकीन मानो गाइस बहुत ही टेस्टी सांभर और चटनी बना था इडली के साथ। मैंने तो 10 से 12 इडली खा ली थी और मेरी फैमिली मेम्बर को भी बहुत पसंद आई थी, आस पड़ोस में भी जो मेरी दीदी हैं सबको पसंद आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए हर हर महा।